अब गायों का भी बनेगा आधार कार्ड। आप सबने बड़ों से लेकर बच्चों तक के आधार कार्ड देखे और सुने होंगे, पर आपने कभी सुना है गाय के भी आधार कार्ड बनते हैं? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। देश भर में गोहत्या और गोरक्षा का मुद्दा छाया हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी का मसला काफी पुराना है। केंद्र सरकार गायों की तस्करी रोकने और उनकी रक्षा के लिए प्रयासरत है, इसीलिए पशुओं की सुरक्षा और देखरेख लेकर केंद्र सरकार आधार कार्ड जैसा सिस्टम लागू करना चाहती है। इससे गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने इस मसले पर कुछ सिफारिश की हैं। इन सिफारिशों में गाय के लिए अद्वितीय पहचान संख्या UID की भी मांग की गई है। छोड़े गए जानवरों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार की है। जिले में छोड़े गए जानवरों के लिए 500 की क्षमता वाला एक शेल्टर होम होना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी का मामला बहुत पेचीदा है। मवेशियों की तस्करी सीमा पर फायरिंग का भी मुख्य कारण है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर काफी सख्ती की जा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक पशुओं की हिफाजत और देखरेख के मुद्दे पर संयुक्त सचिव की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में कुछ खास सिफारिश की है। पशुओं की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा राज्य सरकार का है। एक अन्य सिफारिश के मुताबिक हर जिले में कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाला संरक्षण गृह होना चाहिए। इससे पशुओं की तस्करी में कमी आएगी। देश की हर गाय और उसके बछड़े को ट्रैक करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए।